सोलापुर में पूर्व नगर सेवक के बेटे की हत्या। 8 लोगों ने मिलकर दिया हत्या की वारदात को अंजाम। अस्पताल में इलाज के दौरान अंकुल ने तोड़ा दम। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा, सभी आरोपी फरार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित बार्शी तालुका में उस समय सनसनी फैल गई जब 8 से 10 लोगों ने मिलकर धारदार हथियार से एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सोलापुर जिले के रहने वाले पूर्व पार्षद के बेटे अंकुल चौहान अपनी बेटी हिंदवी के साथ सहकारी बैंक के करीब बैठे थे कि अचानक घात लगाए बैठे करीब 8 लोग वहां पहुंचे। इससे पहले कि अंकुल चौहान कुछ समझ पाते, कथित हमलावरों ने धारदार हथियार निकालकर अंकुल पर सपासप कई वार किए, जिससे अंकुल बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में घायल अंकुल को उनके मामा ने अस्पताल तो पहुंचाया, लेकिन उपचार से पहले ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इस हमले में मृतक अंकुल की मासूम बच्ची हिंदवी बुरी तरह से घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। लेकिन वो सवाल अब भी बरकरार है कि अंकुल की हत्या के पीछे कौन है। खैर, जो भी सवाल इस वारदात के पीछे है, उसका खुलासा तब हो पाएगा जब हत्या के आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार बड्डो, इन 24 न्यूज़, सोलापुर।